स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं किड्स स्नैक्स रेसिपीज। और ये रेसिपीज ऐसी हैं जो बच्चे खुद भी बना सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपीज हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पिज्जा ब्रेड कटोरीज, आई मीन ब्रेड पिज्जा कटोरीज, दे आर जस्ट ऑसम। और साथ में बनाएंगे ओरियो केक, वेरी सिंपल एंड टेस्टी। और लास्ट में बनाएंगे एक नाचोस वाला सिंपल सा प्लेटर। तो आइए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। हम अपने चैनल पे कर रहे हैं अगारो मार्वल ओटीजी सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारी बेकिंग की रेसिपीज बताई हैं और बहुत सारी आपको बेकिंग टिप्स भी दी हैं। बहुत ही मजा आएगा आपको सीरीज देख के। तो अभी तक अगर आपने दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिए। ये वाला कैसा लग रहा है हमें वो भी बताइएगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी फूफो फूड रेसिपी पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आइए जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इंतजार नहीं हो रहा यार, जल्दी से बनाते हैं। नाचोस थर्ड है कोई बात नहीं। तो आइए जल्दी से बनाते हैं ब्रेड पिज्जा कटोरी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा कटोरी। और इसे बनाने की शुरुआत हम करेंगे अंदर की फिलिंग बनाने से। तो यहाँ जा रहा है प्याज, शिमला मिर्च, और ये है लाल वाली शिमला मिर्च। आप इसमें अपनी पसंद की और भी कोई सब्जी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पनीर डाला है और उबले हुए कॉर्न्स थे मेरे पास में तो आज मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब इन्हें हम हल्का सा सीजन करेंगे। तो यहाँ पे जा रहा है सबसे पहले थोड़ा सा नमक। नमक मैंने हल्का इसलिए डाला है क्योंकि हम मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे, उसमें भी नमक होता है। ज़रा सी काली मिर्च डालेंगे और डालेंगे ऑरिगेनो सीजनिंग। अब हमारी फिलिंग को बाइंड करने के लिए हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप यहाँ पे टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही एक बड़ा चम्मच मेयोनीज़ का हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ और सॉस मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि वाई टू इनटेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। उतना ही डालिएगा जितने में ये फिलिंग बाइंड होना शुरू हो जाए, मतलब कम से कम अमाउंट इसमें हमें डालना है। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है और अब हम अपनी ब्रेड की कटोरीज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड स्लाइस लेना है और इसको बेलना है। यहाँ पे मैंने साइड्स इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि वो बेक होके बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और टेस्टी लगते हैं। चारों तरफ से हम इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हर साइड के बीच में मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। इस तरह से कट करने पर बहुत ही इजीली कटोरी बनने लगती है। मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट और कर देती हूँ। इसकी एक तरफ की साइड थोड़ी निकल रही है तो उसको हम साइड से निकाल देंगे, अदरवाइज़ ये क्रिस्पी होके बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इस पर लगाएंगे बटर। बटर को थोड़ा सा जेनरसली लगाइएगा क्योंकि वो अच्छा अंदर तक चला जाता है ब्रेड के और कटोरी को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। अब हम इस ब्रेड स्लाइस को प्लेस करेंगे अपने मफिन मोल्ड में। यहाँ पे मैं सिलिकन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे ना तो ग्रीस किया है ना इसमें कोई भी पार्चमेंट पेपर लगाया है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कटोरी बना लेंगे। मैं एक आपको अभी और बना के दिखाती हूँ। अगर आपके पास में मफिन मोल्ड ना हो तो आप ये काम छोटी छोटी कटोरियों में भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही इजीली ये मुड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कट करके बटर लगा दिया है, ये देखिए। इसको जैसे आप उठाएंगे ना बहुत ही ईजिली ये बनने लगेगी। और एक के ऊपर एक स्लाइस रखिए और इस तरह की कैविटी क्रिएट कर लीजिए। अब ये जो बीच में कैविटी क्रिएट हुई है उसमें हम भरेंगे अपने पसंद की फिलिंग। ये वाली फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक्चुअली कुछ ऐसा है ही नहीं जो अच्छा टेस्ट ना करे। और ऊपर से डालेंगे थोड़ा थोड़ा चीज़। नहीं मम्मा, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चीज़। जब बच्चे किचन में होते हैं थोड़ी तो मनमर्जी करते ही हैं। तो यहाँ पे हमने चीज़ लगा दिया है और थोड़ा सा ऊपर से ऑरिगेनो सीजनिंग डाल दी है। अब बारी है इसको अवन में बेक करने की। वेल, हमने अवन को पहले से ही प्रीहीट होने के लिए लगा दिया था। जब भी हम पिज़्ज़ा या फिर ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो अवन को हमें प्रीहीट करना होता है 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स, ताकि ब्रेड का मॉइस्चर भी ना खोए और हमारा चीज़ भी पिघल जाए। तो यहाँ पे हम अवन में इसे इंसर्ट कर देते हैं। मैं इसे सेकेंड शेल्फ में रख रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और सिर्फ 10 मिनट का हमें इसमें टाइमर लगाना है। 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएंगे। अगर अवन का साइज़ वेरी करेगा तो ये टाइम और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को सेट किया है 200 डिग्री सेल्सियस पे। बोथ रॉड्स हमें इसमें ऑन रखनी है ताकि नीचे से भी अच्छे से कुक हो। और टाइमर को सेट करना है 10 मिनट के लिए, लेकिन आप 5 से 7 मिनट के बाद में इसे एक बार देखते रहिए क्योंकि कई बार जल्दी भी हो जाते हैं। जब सेकेंड बैच बनाते हैं तो स्पेशली वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो हमारी बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा कटोरी बनके तैयार है। ये एक परफेक्ट इवनिंग स्नैक है या फिर आफ्टर समर क्लास वाला स्नैक है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं। इसका शेप बहुत अच्छा है, जो कट वाला आइडिया ना, इट्स रियली नाइस। तो इस पिज़्ज़ा कटोरी को अब हम फटाफट से सर्व करते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा ऑरिगेनो सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। So can we get the cheese spoon? Let's check. Chuk. गरम होगा। तुम सारा गिरा दिया। चीज की पुल के चक्कर में हमने सारा कपकेक को तोड़ दिया है। How is it, Abu? Very good. Very good. So guys, ये थी हमारी बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा कटोरी की रेसिपी और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और जो कटिंग वाला हैक है ना ये बिल्कुल सुपर हिट है। बहुत ही टेस्टी कटोरीज आप जल्दी से बना सकते हैं। अब चलते हैं अगली रेसिपी में जिसमें हम बनाएंगे ओरियो केक एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजी एंड टेस्टी ओरियो केक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी ओरियो केक। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेकिंग टिन को लाइन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडी इकोबेक के कुकिंग पेपर सर्कल्स। इसको हम प्लेस कर देते हैं अपने बेकिंग मोल्ड में। साइड से हम ग्रीस करेंगे बट नीचे से हमें ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पर केक बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है। साइड से मैंने सिर्फ इसलिए ग्रीस किया है ताकि केक अच्छे से ऊपर आए। तो यहाँ पे हमारा बेकिंग टिन तैयार है। अब हम ले रहे हैं 3 पैकेट ओरियोज। ये ओरियो का जो 3x1 वाला पैक आता है उसके ओरियोज हैं। एक पैकेट में होते हैं 11 बिस्किट मगर हमारे 2 बिस्किट बीच में कहीं गायब हो गए थे। सारे बिस्किट्स को हमें पीस लेना है। इसमें आपने क्रीम वगैरह कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली इन्हें आप मिक्सर में डाल के पीस लीजिए और हमें इसे बिल्कुल पाउडर बना देना है। इस केक को बनाने के लिए मैंने सार्थक की हेल्प ली थी, उसको पूरे प्रोसेस में बड़ा मजा आ रहा था। गाइस एक पैकेट में थे 11 ओरियोज और 2 ओरियोज कम हो चुके हैं। अब समर वेकेशन है मगर गर्मी बहुत है तो किचन में ज़्यादा टाइम दिए बगैर हम छोटी मोटी रेसिपीज तो बना ही सकते हैं ना बच्चों के साथ। तो यहाँ गया 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और अब सार्थक उसे आराम से मिक्स कर रहा है। इस केक में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है आपका ओरियो, दूसरा होता है बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है ताकि बेकिंग पाउडर अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और आधा कप दूध। मेजरमेंट के हिसाब से ये 150 ml दूध है यानी कि 31 ओरियोज में 150 ml दूध जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ हमारा केक बैटर रेडी हो गया है। थोड़ा सा थिक है मगर इसको हमें थिकर साइड पे ही रखना है। हमारा केक बैटर बिल्कुल रेडी है। तुम्हें हर पॉइंट पे इस केक को टेस्ट करना है। गाइज प्लीज़ डोंट गो बाय अ मेसी किचन क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत सारे शूट साथ में चल रहे हैं, इसीलिए ना बहुत थोड़ा कुछ मेसी आपको लगेगा बट इग्नोर इट। रेसिपी बहुत मस्त है। तो यहाँ हमने केक बैटर को रेडी किया और उसको हमने बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र कर दिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिएगा, ये रिबन कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ी सी थिकर साइड पे है। इसको पैट करके सारे एयर बबल्स हम निकाल देंगे। पैटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस वाइल बेकिंग केक। ऊपर से मैंने यहाँ पे डाले हैं चोको चिप्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है चोको चिप आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ ओरियो को भी आप क्रश करके डाल सकते हैं। तो ये हमारा केक टिन बिल्कुल रेडी है अवन में जाने के लिए। मीनवाइल मैंने अवन को पहले से ही ऑन करके रखा हुआ है और प्री हीटिंग पे लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो का मार्वल OTG। यहाँ से मेरा बेकिंग गेम जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छे हमारे केक्स बेक होते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए हमने प्री हीट किया था और अब हम टाइमर सेट करेंगे। मेक श्योर बोथ रॉड्स ऑन हो। साथ में नीचे जो टाइमर है इसको हम 30 मिनट्स पे सेट कर देंगे मगर हम इसे बीच में चेक करेंगे आफ्टर 20-25 मिनट्स क्योंकि बहुत ही डेंस है तो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। तो यहाँ हमारा केक बेक हो रहा है। टेम्परेचर हमें 180 डिग्री सेल्सियस पे ही इसे मेनटेन रखना है। एंड गाइज लुक एट इट, आफ्टर 35 मिनट्स हमारा केक अच्छे से बेक हो गया था एंड बहुत ही अच्छा इसका टॉप आया है, बिल्कुल फ्लैट टॉप है। अगर आइसिंग करना चाहें तो बहुत ही आराम से हो सकती है। केक को डिमोल्ड करने से पहले थोड़ा सा सेट हो जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद में डिमोल्ड कीजिए। वैसे नॉर्मली जब केक बनता है तो इतना पेशेंस नहीं रहता है उसको ठंडा करने का, बट कर लेना चाहिए। उससे जो केक का टेक्सचर होता है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। देखिए सार्थक अभी भी मेरे साथ में है कि बस जल्दी से दे दो इसको। और ये बहुत ही बढ़िया हमारे केक का टेक्सचर आया था, सॉफ्ट केक बना था। सार्थक वो सो एक्साइटेड टू टेस्ट इट। So Sadak, how is it? तुम एक ही एक्सप्रेशन देते हो यार, कुछ तो चेंज करो। No, अच्छा नटेला वाला दूं? ये जो ओरियो केक्स है ना गाइस मैंने कई बार बनाए हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो बहुत ही हम लोग बनाते थे बिस्किट वाले केक, लेकिन ये वाला जो केक था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया। ऊपर से हमने इसमें नटेला से आइसिंग करी तो इनऑल बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको एज अ ब्राउनी आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है और अच्छा बन जाता है। डू गिव इट अ ट्राई। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसमें बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बड़े मज़ा आएगा। सो गाइस ये थी हमारी बहुत ही टेस्टी ओरियो केक की रेसिपी और अब चलते हैं हमारी लास्ट रेसिपी पे जिसमें हम बनाने वाले हैं डिलिशियस नाचो प्लेटर। एंड दिस नाचो प्लेटर इज जस्ट अमेजिंग। इसमें पहले हमने बनाया था एक बार, उसमें व्हाइट सॉस और चीज़ सॉस वगैरह डाली थी, बट आई गेस ये वाला जो मेथड होता है ना, ये आप कभी भी कर सकते हैं और इससे जो नाचोस है वो सॉगी नहीं होते हैं। आप जब तक अपना लंच या डिनर एंजॉय करेंगे तब तक वो रहेंगे साथ में। तो ये बनाते हैं नाचोस प्लेटर, तो ये बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी चीज़ी नाचोस। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऑडी इकोबेक की कुकिंग एंड बेकिंग ट्रे। इसको हम प्लेस करेंगे अपने अगार ओटीजी की ट्रे पर और अब डालेंगे इसमें डोरिटोस। तो यहाँ पे हमने 2 पैकेट डोरिटोस डाल रहे हैं। हम लोग के बहुत चटर पटर खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे हमारे गए डोरिटोस। सार्थक वापस रखो इसको। ओहो, ओके मम्मा। बच्चे भी ना अब इसके ऊपर सार्थक डाल रहा है बहुत सारी सब्जियां, आई मीन बहुत सारी तो नहीं है, सिर्फ प्याज, टमाटर, थोड़े से कॉर्न और शिमला मिर्च हमने इसमें डाली है। आप इसमें ग्रेटेड कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इक्वली अच्छी लगती है और बच्चों के पेट में कुछ कैरेट वैरेट जाती है। तो मैं भी थोड़ी सी सब्जियों को फैला देती हूँ और अब हम डालेंगे इसमें और चीज और चीज और चीज। और सार्थक ने इसमें मन भर के खूब सारा चीज डाला है, आप अपनी इच्छा के अनुसार डालिएगा ज्यादा या। और ये जो चीज हम इस वीडियो में यूज कर रहे हैं ये है अमूल का डाइस चीज। इसमें मोजरेला और शिरा का मिक्स रहता है और ये इसका ना पुल बहुत अच्छा आता है, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है। तो सार्थक ने पूरी कटोरी यहाँ पे खाली कर दी है। अब हम इसमें ऊपर से हल्का सा नमक डालेंगे और साथ में जरा सी काली मिर्च डालेंगे। जो सब्जियां हमने ऐड की हैं सिर्फ उनके हिसाब से मैंने डाला है, बाकी तो नाचोस अपने आप में स्पाइसी हैं। तो हमारे जो प्लेटर है ये रेडी हो गया है ओटीजी में जाने के लिए। हमने अपने अगारो मार्वल ओटीजी को ऑलरेडी प्रीहीट किया हुआ था 180 डिग्री सेल्सियस पे और अब इसमें हम अपना ये ट्रे रख देते हैं, बेकिंग ट्रे को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड शेल्फ पे रखा है और अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है सिर्फ चीज़ को पिघलाना और पकाना। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम सेट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे। साथ में यहाँ पे हम रॉड्स को भी चेंज करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी बेकिंग की है उसमें हमने बोथ रॉड्स ऑन रखा है। यहाँ पे हम सिंगल जो ऊपर वाली रॉड है सिर्फ उसे ही ऑन रखेंगे और नीचे जो टाइमर है उसको सेट करेंगे 10 मिनट्स पे। तो बस अब हम 10 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे और बढ़िया से आप देखेंगे 10 मिनट बाद चीज़ पिघल गया है, एकदम ऊपर से पक गया है। एंड गाइस हमारा बहुत ही टेस्टी नाचोस प्लेटर रेडी हो गया है। एक बार मैंने और भी नाचोस प्लेटर आपके साथ पे शेयर किया है, उसमें हमने वाइट सॉस डाली थी बट उससे सॉगी हो जाता है मुझे ऐसा लगता है, तो कभी कभी बनाने के लिए स्नैक्स में हम इस तरह बनाते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट शुड आई डू? ईट ईट ईट। और क्या, कैसे लगा? चीज बाहर आ रहा है, कितना प्रेशर है तुम पे परफॉर्मेंस का। You like it? So guys, ये थी हमारी आज की रेसिपीज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और ये सारी रेसिपीज हमने बनाई है अगारो मार्वल ओटीजी में। जब भी हम ओटीजी में बेकिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो पैन, कढ़ाई या फिर माइक्रोवेव से थोड़ी बेटर तो होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इनफैक्ट जब मैंने केक का रिजल्ट देखा ना, आई वाज लाइक अमेजिंग। वो जो केक का फ्लैट टॉप है दैट यू कैन गेट इन सिर्फ ओटीजीज में ही बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से क्रैक वगैरह नहीं आता, अच्छे से बेक और कलर हो जाता है। तो अगर आपको चेक करना हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके नीचे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में और भी मजेदार रेसिपीज के साथ में और खूब सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।